हाँ जी आ गए हो, चले चलो लेट हो गए अब। अच्छा मेरी बात सुन, अगर अम्मा आएंगी ना बाहर, अगर अम्मा बाहर आई तो यही कहना कि तुम लोगों का प्लान है सडन प्लान, तुमने बनाया, मेरा कोई प्लान नहीं था, ठीक है? बनाया खुद है और हमें कह रहे हैं। हाँ बस यही कहना तुमने, ठीक है? मैं आया 5 मिनट में आया। चलो प्लान क्या है ये मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। अम्मा जी यार बाहर ना मेरे दोस्त आए हैं, आप ना उन्हें बाहर जाके ना मना कर दो कि बच्चे आप लोग चले जाओ, रजब नहीं जाना, सुबह 6:30 का टाइम हो रहा और ये लोग ना घर के बाहर आ गए हैं, ठीक है? आप जाके मना कर दो। क्या हुआ ये मुझे बता, ये क्या रंग बाजी है, मैं तुम्हें जानती हूँ। हाँ क्या हुआ, क्या ये क्या रंग बाजी, ड्रामा क्या, मुझे बता पहले। ड्रामा कोई नहीं यार, वो इन सबको ना वन डे का ट्रिप है, हैदरा और सामा वन डे का ट्रिप है उनका, मैंने नहीं जाना, जबरदस्ती करके बाहर आ गए हैं, तो आप जाके मना कर दो, मुझे पता आपने जाना तो देना नहीं है मुझे, आपने मना कर दो जाके, मैं सोने लगा। मैं ना तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा तुझे पता है कि मैं बच्चों को नहीं कहूँ के वापस चले जाओ, ये तुमने ड्रामा इकट्ठे करके अब मेरे कह रहे कि मैं कह दूँ कि चले जाओ, अब जाओ दफा और टाइम पे वापस घर आना, तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। हाँ मैं इंशाल्लाह, मैं ये जो ड्रामे है तुम्हारे लिए समझ वैसे आ गई है, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, समझ आ रही, पर मैं बच्चों को कभी नहीं कहूँगी कि चले जाओ, अब तू जा। नहीं नहीं मैं बस, मेरा दिल तो नहीं कर रहा वैसे, मैं आ जाऊंगा जल्दी आ जाऊंगा, मैं तुम्हें जानती हूँ। ओके ओके जी, तो मैंने चेंज कर लिया। ओके मम्मा जी अल्लाह हाफिज़। कैसे जाओ मेरी बात सुन ले, सुबह 6 बजे तो जा रहा है ना वन डे ट्रिप का, मुझे पता है शाम को 6 बजे मुझे घर चाहिए। हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह। कैसे जाओ, सारी ईद घर बैठ के मैंने गुजार लिया, मुझे बाहर निकलने दो सही एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से, अब मैं आपको सारा सीन बता देता हूँ, सीन क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं और ये सडन प्लान बना कैसे। अच्छा तो हुआ ऐसे, रात को हम सब अपने ग्रुप में, जिम के ग्रुप में बात कर रहे थे, तो एक दूसरे से कह रहे थे कि यार हम इतने गरीब क्यों हैं, हमसे छोटे हमारे जूनियर जो है वो निकल चुके नॉर्दर्न, कोई हुंजा जा रहा है, कोई स्कर्दू जा रहा है और हम बैठ के गोश्त बांट रहे हैं। तो उस वक्त हम तीनों के जमीर ने हमें झिंझोड़ा और हमें जगाया कि उठो कहीं ना कहीं चले जाओ, नॉर्दर्न तो अब हम नहीं जा सकते बिकॉज लास्ट डे है आज हॉलीडेज का, कल से इंशाल्लाह काम शाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने सोचा वन डे ट्रिप लगा लिया जाए, गर्मी का थोड़ा सा हल निकाल लिया जाए। तो हम जा रहे हैं नीलवा वाटरफॉल, आपने अम्ब्रेला वाटरफॉल सुना होगा, नूरी वाटरफॉल सुना होगा, नीलवा वाटरफॉल का हर बंदे को नहीं पता बिकॉज हर बंदा वहां पर जाता नहीं है, उसका दरअसल एक ट्रैक है आधे पौने घंटे का, जो ट्रैक आपने नीचे उतरना है फिर आपको वाटरफॉल मिलती है, शदीद खूबसूरत। मैं आज से 4-5 साल पहले भी नीलवा गया हूँ, इसलिए वन डे ट्रिप के लिए नीलवा बेस्ट प्लान है, और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी फैमिलीज के साथ भी ये प्लान बना सकते हैं, तो व्लॉग पूरा देखिएगा। यार मुझे नाश्ता करा दो, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ रात का, आपकी बड़ी मेहरबानी, कहीं रोक दो पहले यार। चलो चलो, अच्छा बेरा रुकते हैं बेरा। अच्छा यार अभी हम रुके हैं भेरा क्योंकि भूख सबको लग चुकी है, गाड़ी का पेट्रोल डलवा लेते हैं और भेरा से आगे का हमारा सफर है मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का। ये हसी वादियां ये खुला आसमां, आ गए हम सनम नीलवा नीलवा। कलर का हार का इंटरचेंज जैसे ही आप उतरेंगे तो ये आएगा गेटवे टू सोन वैली, यहाँ से स्ट्रेट जाना आपने। 20 minutes later. Shit. खुदा की कसम मुझे रोना आ रहा है, क्यों? क्योंकि नीलवाहा के और कलर कहार के जो DCO साहब हैं उन्होंने 3 दिन ईद के हर टूरिज्म स्पॉट बंद किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे नहाने वाला सीन है, जहाँ जहाँ पे वाटरफॉल्स या लेक्स हैं वो उन्होंने बंद की हुई, और इस बात का किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जो बेचारे इतनी इतनी दूर से पेट्रोल लगा के अपनी नींदें हराम करके आ रहे हैं उनको सिर्फ चक्कर पड़ रहा है, और वो यहीं से वापस जा रहे हैं, 2 बंदे उनके वहां बैठे हुए हैं और 2 बंदे ये ट्रैक है यहां से नीचे जाके वाटरफॉल आती है, 2 पुलिस वाले नीचे बैठे हुए हैं, नीचे जाने ही नहीं दिया जा रहा, और इसको बंद करने की वजह ये बताई जा रही है कि रिसेंट यहां पे 3 बच्चे डूब के मर गए हैं, लेकिन अब ऐसे तो वापस मैं नहीं जाऊंगा, ट्राई तो मैं पूरी करूंगा किसी ना किसी तरीके से जाने की,
क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ, मेरी तो अम्मा ने मेरा मजाक बना बना के मार देना। ये यहाँ का एक दोस्त हमारा बन गया, तो ये हमें एक डंकी का रास्ता बताएगा, है दोस्त? करते हैं कुछ, करते हैं। जल्दी आ पीछे, लोग देख लेंगे, बेवकूफ जल्दी भाग। डंकी है, डंकी लगेगी आज। ये यहाँ के बेटी हैं जो हमें डंकी लगवा रहे हैं। मेरे जैसा बेवकूफ भी नहीं मिलना जो इधर से उतर, यहाँ से उतर नीचे, जो पाकिस्तान के अंदर ही डंकी लगा रहा है। अब किधर जाना, आगे किधर जाना? ओए ओए, वो वाली कच्ची रोड, ये वाली, यहाँ से आगे कितनी दूर है? आगे तकरीबन है 10-15 मिनट का रास्ता। ओए, क्या भी 10-15 मिनट? पुलिस वाले कहाँ खड़े हैं? वो नीचे खड़े। चल उनको देख लेते हैं। आजा 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 आजा, कंडा चुप गया मुझे, कंडा। ओए 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 ओए, अब जो पहाड़ वाली उतराई है ना, वो खत्म हो गई है। अब यही सारा कच्चा ट्रैक है जो सीधा नीचे नीलवा वाटरफॉल जाएगा। मेरी किस्मत ही ऐसी ख़राब है, या पता नहीं मेरी किस्मत में लिखे ही सिर्फ थ्रिल्स हुए हैं। आज से 5 साल पहले जब मैं आया था तब भी रास्ते बंद थे, और कोई ईद शबरात नहीं थी, तब भी रास्ते बंद थे, और मैं तब भी यहाँ के लोकल्स के साथ मिलके पहाड़ पूरा एक चढ़ के नीचे उतर के फिर अंदर गया था। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम इस मुल्क में सिर्फ महंगाई बर्दाश्त करने के लिए रह गए हैं? ईद के 2-3 दिन जो हमें छुट्टी मिलती है, जब हमने किसी स्पॉट पर जाना है उससे पहले उसको बंद कर दिया जाता है, पेट्रोल रोज महंगा किया जाता है, हम किस लिए रह गए यहाँ पे? सिर्फ खर्चों के लिए? फिर कुछ ना रूल्स ब्रेक करने पड़ते हैं समटाइम। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं से जाएंगे, पागल क्या हो गया, डर क्यों रहा है? वो रही वाटरफॉल, दिखाता हूँ, रुको आप लोगों को, ये देख रहे हो, ये वाटरफॉल है। आजा आजा, यही रास्ता सारा जाएगा, आजा पागल, बड़ा मजा आएगा नीचे जाके, आजा। आज तो रश भी नहीं है, बहुत कम लोग पहुंचेंगे, मेरे जैसे पागल कम ही है। बात तो सही है। मंजिल तो बहुत करीब आ गई है, ये देखिए बिल्कुल सामने आ गया वाटरफॉल, लेकिन हमें नीचे आते हुए रास्ते में कोई 20-25 लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि जी वो नीचे नहाने नहीं दे रहे, पुलिस वाले खड़े हैं, वो केस कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं इतनी दूर, वो उस पहाड़ से मैं उतर के नीचे आ रहा हूँ, वहाँ मैंने जाना है, ऐसे नहीं जाऊँगा, ट्राई तो करके जाऊँगा, अल्लाह खैर करे। 2000 years later। ओके जी, ठंडे पानी में पाँव डालते ही सारी थकावट ही ट्रैकिंग की ख़त्म हो गई है, ना कोई शोर, ना शराबा, ना रश। हाँ जी, मज़ा आ रहा है, अल्लाह की कसम सारी थकावट उतर गई है। उई! ये देखो ये भी हमारे साथ नहाएंगे, वहाँ जाना मैंने, वहाँ, अल्लाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। पता क्यों? क्योंकि शोर शराबा कोई नहीं है, बंदा कोई नहीं है। यार फजूल बातें ना करो, आओ जल्दी करो, ड्रामे ना कर यार, तुम आओ, कुछ नहीं होता तुम्हें, जल्दी आओ। पैसे पूरे, अल्लाह की कसम, यह ठंडा पानी है, और ऐसे लग रहा है किसी भूतिया साइड पे आ गया, कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पहाड़ों के दरमियान बस हम 3 पागल हैं। पागल ध्यान से, हमें पत्थर मिल गया, पत्थर मिल गया, चल 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 चल, मिल गया पत्थर, अब आगे एक और पत्थर है यहाँ पे, वहां तक जाना बस, चल चल चल, ध्यान से पाँव रखिए, ध्यान से, ओके, चल, ये स्लिप हो रहा है, पत्थर स्लिप हो रहा है, ओके, करीब आ रहे हैं मंजिल के। अच्छा, अब सीन ये है कि पत्थर नजर नहीं आ रहा आगे, इसकी जो है फ्लो की झाग बहुत है, रिस्क लेके आगे जाना पड़ेगा, अगर पाऊँ आ गया तो आ गया, ना आया तो फिर एक आधा गोता लगेगा और बाहर आ जाएंगे। Finally, we did it! Yeah! 1, 2, 3! यार हमारा तीसरा पार्टनर बहुत बोर कर रहा है यार, कहाँ चला गया उसामा? गायब हो गया। उसामा!
few moments later. Shit. गिर गया हूँ यार, नाखून टूट गया पूरा। Shit यार, बहुत दर्द हो रही है। अल्लाह, इधर पाँव कितना स्वेल हो गया यार, पाँव सारा स्वेल हो गया, ये मांस फट गया। आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े बोर आदमी देखे होंगे, इसके जैसा बोर कोई नहीं देखा होगा। ये वहाँ बैठा रहा है, वहाँ पे अंदर नहीं गया कि मुझे डर लग रहा है, पानी बहुत गहरा है, पानी बहुत ठंडा है, कोई है नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अंदर ही नहीं गया, इतनी दूर से आके इतनी मुश्किल से मैंने इजाज़त ली है रिक्वेस्ट करके उनसे, और ये अंदर ही नहीं गया। ये वापसी का सफ़र मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। चला बिल्कुल नहीं जा रहा और पाँव मज़ीद स्वेल होता जा रहा है, और जाना कहाँ है, ऊपर ये सारा ट्रैक चढ़ना है। अल्लाह अकबर, वहाँ जाना अभी भी। कोई शर्म है आकर, मैं टूटे नाखून सूजे हुए पाँव के साथ चल रहा हूँ, और अपना हाल देख। उठ अभी ना कंकना। अच्छा उठ, सांस बंद हो जाए। आ जा भाई, एक मिनट अभी ना कंकना। आओ पानी पिलाएं आपको। आ जा, आओ पानी पिलाएं। इसको लिफ्ट मांग के भेज दिया, इसी तबीयत ख़राब हो रही थी, हमारी खैर है। गाड़ी में तो आ गए हैं, लेकिन इसमें अपना कोई कमाल नहीं है। अल्लाह भला करे उस भाई का, उसने पहले उसामा को छोड़ा, फिर उसने मुझे छोड़ा। मैंने उसको बताया भाई मेरा पाँव ठीक नहीं है, और मेरा पाँव वाकई ही ठीक नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा नाखून उतर चुका है। मेरा ख्याल है हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा भाई। हाँ दिखा देते, किसी हॉस्पिटल रोक पहले, फिर पानी पीते हैं। मुझे बहुत पेन हो रही है, पाँव स्वेल हो रहा है मेरा अंदर अंदर। उफ अल्लाह, सुकून आ गया है ना। वो देख बंदर बाहर बैठा हुआ। यार हॉस्पिटल ही बंद है, चल बंद आके चल गई। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा है कि हॉस्पिटल क्यों बंद है, उन्होंने बताया कि यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं ना, कुछ इस्लामाबाद से हैं, कुछ लाहौर से हैं, तो ईद की छुट्टियों पे सब घर गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल बंद है। आप स्ट्रेट चले जाएं, कलर कहार के पास एक हॉस्पिटल आपको मिलेगा जो कि खुला होगा मोटरवे चढ़ने से पहले, तो अब वहाँ जा रहे हैं। ये एक हॉस्पिटल मिला तो है, अब अल्लाह करे इनका स्टाफ बैठा हो। जी ये इसका लास्ट हल, यही है, नाखून उतारना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो आपको तकलीफ देगा। पहले एक्सरे होगा पाँव का, उसके बाद नाखून उतार के तो फिर पट्टी करेंगे। पाँच मिनट तक एक्सरे मिलेगा, अल्लाह करे फ्रैक्चर ना हो। मेरे पाँव पे वजन तो पड़ रहा है, लेकिन स्वेलिंग की वजह से पेन बहुत है। एक्सरे लेके फिर माइनर ओटी ऑपरेशन थिएटर जाएंगे, वहाँ से नेल रिमूव होगा, फिर ड्रेसिंग होगी, फिर निकलते हैं आगे। अल्लाह का शुक्र है पाँव फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन जो नाखून था वो रिमूव हो गया। अब 10 नाखूनों में से मेरे 9 नाखून रह गए हैं। उसके अलावा जो ड्रेसिंग है ये 2-3 दिन लगातार चेंज करनी है। पहले वज़न पड़ रहा था पाँव पे, लेकिन जब उसने ड्रेसिंग की है ना दबा के, उसके बाद वज़न नहीं पड़ रहा पाँव के ऊपर। अब ये मुझे जो टेंशन है वो टेंशन सिर्फ एक ही है कि घर जाना है। अम्मा पहले ही नहीं आने दे रही थी, ये चीज़ देखेंगी परेशान अलग हो जाएंगी, और नेक्स्ट टाइम तो आने का छोड़ ही दो। 3 hours later. ओके जी, घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट ठीक है, तू जा, तू बैठ बैठ, मैं ऐसा ही यार, तू जा, तू जा। हाँ जी, क्या हुआ? देखो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इधर आना, चलो कुछ नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तू चंगा काम फड़ना में क्या चल, आ गए कुछ नहीं हुआ। अम्मा किधर है? अंदर है, दौर खो। मम्मा, माँ जी, हाँ जी, हर में मर गई है क्या? कुछ भी नहीं हुआ, वो थोड़ी सी चोट लगी, चोट लगी थोड़ी सी, नाखून उतर गया। कैसे उतार दिया उन्होंने? नाखून उतार दिया और पाँव सूजा हुआ। चीची है? हाँ, चीची का नाखून उतर गया। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप टिकटॉक देख रहे बैठ के, मेरा फोन बंद हो गया था।
आपकी कसम नाखून उतर गया। हाँ बैठ रहा हूँ, नाखून उतर गया। स्वेलिंग बड़ी हुई है तो उसने ना ऊपर से पट्टी बड़ी दबा के बांध दिया तो अब चला नहीं जा रहा। कुछ नहीं हुआ, आप और सदका ना हो तो आके भेजो मुझे। हाँ बोलो तो सही कुछ। अच्छा एक मिनट, ओके यार मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।